आज भी किस्मत में मछली नहीं है। हाँ यार फिरू, तो इसका मतलब है कि आज की दिहाड़ी खत्म। हाँ अल्लाह मालिक है। यार बच्चों ने आज बड़े प्यार से आलू कीमा अपना कर दिया है। हाँ हाँ, तेरी बीवी खाना बहुत अच्छा पकाती है। तो बाजाई अच्छा नहीं बनाती है क्या? नहीं नहीं, पकाती है, बहुत अच्छा पकाती है, बहुत अच्छी औरत है। पर यार एक बहुत बड़ी खराबी है उसमें। भला वो क्या? अरे बाबा बहुत बोलती है। अरे यार शेरू, आखिर औरत है ना। पर बाबा वो तो जरूरत से ज्यादा बोलती है ना। अरे यार हम लोग सारा दिन ख्वार होते हैं, घर में तो आराम से रहा करो। अच्छा बाबा अच्छा, आराम से रहूंगा बस। अच्छा ये ले, ये नहीं नहीं, ये तेरा खाना है, ये तेरा खाना। अरे पकड़ रे पकड़, तू भी क्या याद करेगा। हाँ बस यार शेरू, मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह साई मेरे को एक प्यारा सा बेटा देवे, और वो भी तेरे बेटे जैसा। ओ नासिर, अल्लाह की जात से नाउमीद नहीं होते। इंशाल्लाह तेरे को अल्लाह ताला बेटा देगा, मेरे बेटे जैसा, उससे भी अच्छा। आजा चल यार, अल्लाह मालिक है। शेरू इतनी जल्दी आ गए तुम? हाँ आज निमो किसी को मछलियाँ नहीं मिली, सारे मछेरे वापस आ गए। ये क्या है? हाँ ये आलू कीमा है, इसको जरा गर्म तो कर दे। कहाँ से लाया है ये? ओ बाबा कहीं से भी लिया हो, बस गरम कर देना तू। जब तक बताएगा नहीं तू, तब तक गरम करके नहीं लाऊंगी। हाँ आखिर है ना जिद्दी तू। इसका मतलब है तू मूंग की दाल नहीं खाएगा जो मैंने अपने हाथों से बनाई है तेरे लिए। अरे बाबा खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, सब तू गरम करके ला खाना। अच्छा कहाँ रह गई, जल्दी आ जा। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। लो आ गई। भाई निमो काम नहीं होता अब मुझसे। क्यों क्या हुआ? थक गया हूँ मछलियाँ पकड़ते पकड़ते। अरे वो हमारे पड़ोसी है ना नब्बू। हाँ। वो अभी तक काम कर रहा है, उसका बेटा 16 जमाइतें पास करके मछली की बड़ी कंपनी में बहुत बड़ा अफसर बना है। हाँ पता है, सब पता है मेरे को कौन अफसर बना है। हाँ। देख शेरू, जब तक हमारा जफर पड़ रहा है ना, तुझे काम तो करना ही पड़ेगा। देखना हमारा जफर एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हाँ। क्यों नहीं क्यों नहीं, बहुत बड़ा अफसर बनेगा इंशाल्लाह। अब्बा आज मछलियाँ पकड़ने ही गए? बेटा जब नसीब में कुछ नहीं है तो कोई मछली वछली नहीं मिलती। माशाल्लाह आज तो बल्ला भी पकड़ा हुआ है बेटे ने। बेटा तेरी पढ़ाई कैसी जा रही है? अबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा तो भला तेरे पक्के इम्तिहानों का क्या बना? वो भी बहुत जल्द होने वाले हैं। तो तू तैयारी तो कर रहा है ना? हाँ हाँ अब्बा। शाबाश। देख दे फर्क अब्बा, मेरा बेटा इम्तिहान में पास हुआ ना तो तुम्हें इसे बड़ा और अच्छा इनाम लेकर देना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, इंशाल्लाह अपने बेटे को मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। मगर बेटा ये बता, आज तू बहुत देर से नहीं आया स्कूल से? वो दरअसल अब्बा स्कूल के बाद हमारा क्रिकेट मैच था। ओहो निमो सुन रही है तू? तो क्या हुआ, स्कूल के सारे बच्चे खेलते हैं और क्या? मगर कोई फायदा नहीं है ना। हाँ इसने कौन सा बड़ा बल्लेबाज बनना है, रहेगा तो मछेरे का बेटा। ऐहे ऐसी बातें मुँह से नहीं निकालो, अल्लाह करेगा हमारा जफर भी बड़ा आदमी बन जाएगा और क्या। नहीं यार आजकल अक्सर स्कूल से गायब होते हैं। ये दोनों सुधरेंगे नहीं, सालाना इम्तिहान में बहुत कम वक्त रह गया है। मैं तो रोजाना 3-4 घंटे पढ़ता हूँ। मैं भी रोजाना दिल लगाकर पढ़ता हूँ। मैं
जफर इरफान तुम लोग आज स्कूल क्यों नहीं आए? यार वो दरअसल हम लोगों ने स्कूल का काम नहीं किया था। मास्टर साहब पूछ रहे थे। यार इरफान स्कूल खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। रुक जा यार, रुक जा, पहलवान आता ही होगा। और पहलवान, और इरफान, क्या हाल है? क्या हाल है इरफान? ये तुम्हारा दोस्त है ना जफर? हाँ पहलवान। इरफान ये पहलवान है? हाँ इरफान मौला, हर काम में उस्ताद। अभी तो तुमने पहलवान की शक्ल देखी है जफर, जब काम देखोगे ना फिर मानोगे। हाँ ये कैसा पहलवान है? पता है पहलवान ने कई कुश्तियां लड़ी हैं। अच्छा, मैंने बड़े बड़े पहलवानों को एक ही राउंड में जीत कर दिया। ये देखो, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ पहलवान चलना नहीं? हाँ हाँ चलो। कहाँ? हमारे साथ। लेकिन कहाँ? अबे चलोगे तो पता चल जाएगा। हाँ लेकिन मेरे अब्बा मेरे घर पर इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो तुमने हमारे साथ चलना ही होगा। अरे ये कहाँ ले मुझे, यहाँ पर तो फिल्म चल रही है। जफर जबरदस्त फिल्म लगी है, बहुत बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं फिल्म फिल्म नहीं देखता। अगर तुम एक बार देखोगे ना तो बार बार देखोगे। आओ तो सही। बहुत मजा आया। हाँ जफर कैसी थी फिल्म? मजा आया। कल भी आओगे ना, इससे भी अच्छी फिल्म दिखाऊंगा। नासिर काम ठीक हो गया? हाँ यार बेहतर हो गया है। यार शेरू मुझे तुझसे कोई बात करनी है। हाँ हाँ बोल, क्या बात? यार तुझे याद है मैंने तुझसे एक दिन कहा था कि अल्लाह ताला मेरे को भी बेटा दे और वो भी तेरे बेटे जैसा। तो क्या तू बाप बनने वाला है? हाँ यार। अरे बाबा ये तो बहुत खुशी की खबर है, मगर मैं एक बात सोचता हूँ। वो क्या? यार देख हम गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके शाम को जाके दाल रोटी मिलती है, और सारा दिन हम लोग समंदर की मौजों से लड़ते हैं। ना सर तू कहना क्या चाह रहा है? यार कहना ये चाहता हूँ कि लड़की पैदा हो तो शायद बेहतर होगा। देखना सर वो तो अल्लाह की मर्जी है, लड़की हो गए या लड़का, मगर तू ये बात क्यों कह रहा है कि लड़की हो तो ज्यादा बेहतर है? क्या तेरे दिल में लड़के की ख्वाहिश नहीं रही? बात ये नहीं है यार। फिर देख तेरा भी एक बेटा है, तेरी ये ख्वाहिश है कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। हाँ हाँ लेकिन शायद तुझे एक बात का पता नहीं। किस बात का पता नहीं? बता यार बता ना, किस बात का पता नहीं? यार तेरा बेटा बस्ती के आवारा दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाता है। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। यार शेरू मैं तुम्हारा दोस्त ही नहीं, हम करती हूँ। हाँ हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। नासिर तू सच कह रहा है? हाँ यार परसों की बात है, मैं बाजार से वापिस आ रहा था, मैंने देखा तेरा बेटा हमारा दोस्तों के साथ
फिल्म देख के निकल रहा है। और अफसोस की बात तो ये है कि बस्ती का वो आवारा पहलवान भी उनके साथ था। पहलवान? हाँ, वही पहलवान जो पुलिस की सजा भी काट चुका है। हाँ हाँ, वही पहलवान। जो मैं तेरे को देख के कुछ सोच रहा हूँ। मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है। अच्छा भला बता, मैं क्या सोच रहा हूँ? तू सोच रहा है कि मैं कितनी अच्छी लगती हूँ। तू तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे बैठ बैठ, तू तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सारी दुनिया से ज्यादा अच्छी। तू सच कह रहा है? हाँ। दरअसल रज्जू, मैं एक बात सोचता हूँ। क्या सोच रहा है? मैं ये सोचता हूँ, अल्लाह साई हमें बेटा देंगे या बेटी। ये तो अल्लाह साई को पता है कि हमें बेटा देगा या बेटी। शाहजहां, अब्दुल रशीद, सजाद अली, शुएब, जफर, इरफान, तुम दोनों खड़े हो जाओ। तुम दोनों एक दो रोज से स्कूल नहीं आ रहे थे, क्या बात थी? वो सर मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी। अच्छा, और तुम इरफान? वो सर मुझे दो दिन से बुखार था। अच्छा, तुम्हें भी बुखार आ गया। कल अपनी अपनी दरख्वास्त ले आना, समझे? बैठ जाओ बच्चों। आज जो सबक हम पढ़ेंगे उसमें एक कहानी बयान की गई है जिसका उन्वान है बुरी सोबत का अंजाम। चाची चाची शक्कर है? अरे बेटा, कल ही तो शक्कर खत्म हुई है, आएगी तो दे दूंगी, अभी तो नहीं है। क्या बात है शेरू? जफर किधर है? सो रहा है अंदर। सो रहा है? ये भला कौन सा टाइम है सोने का? कह रहा था कि स्कूल में बहुत काम था, थक गया हूँ, इसलिए जाकर सो गया। मगर क्या सोच रहे हो? वो झूठ नहीं बोल सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। कौन शेरू? देख निमो, देख, मुझे जफर के बारे में मुझे एक बात पता चली है, मुझे बड़ी फिक्र है उसकी। मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, मुझे ऐसी बात पता चली है। ओहो, बताओगे भी सही तो पता चलेगा ना। हमारा बेटा है ना जफर। हाँ हाँ। जिससे हम उम्मीदें लगाए बैठे, आस लगाए बैठे, वो बजाय पढ़ने के फिल्म देखने लगा है, हमारा पैसा और अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं शेरू, नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, ये झूठ है,
तुम्हें जरूर किसी ने बहका है। तुमने खुद तो देखा है कि जफर अंदर सोया हुआ है। निमो, मैं डरता हूँ कि मेरा बेटा किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़े। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों मुंह से निकालते हो? अल्लाह ना करे। पता है क्या, एक लतीफा सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। है? दो बेवकूफ फिल्म देख रहे थे, उस फिल्म में जो है वो घोड़ों की रेस दिखाई गई, सफेद घोड़ा काला घोड़ा। एक बेवकूफ बोलता है सफेद घोड़ा जीतेगा, दूसरा बोलता है नहीं काला घोड़ा जीतेगा। उन दोनों की शर्त लग गई है, जनाब वो सफेद घोड़ा जीत गया। 100 रुपए उसने दिए, उसने कहा यार तुम्हें कैसे पता चला ये सफेद घोड़ा जीतेगा? पता है क्या कहता है एक बेवकूफ? क्या कहता है? 3 से 6 वाले शो में भी सफेद ही घोड़ा जीता। अच्छा बात सुनो, आज फिल्म देखनी है? वन कंचा प्रांत फिल्म। चल पैसे निकालो। उस्ताद पैसे तो नहीं मेरे पास। पैसे नहीं है? अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, आज तेरे को हम उधार में फिल्म दिखाएंगे। ठीक है उस्ताद। लेकिन कल दे देना उस्ताद। जरूर उस्ताद। हाँ, ये ना हो के फिर तुम उधार खा जाओ। नहीं उस्ताद, छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। हाँ उस्ताद, सफर का बाप चेहरे आ रहा है। बात करनी है मेरे को तुमसे। बोलो। तुम तो बस्ती के सब लड़कों को जानते हो। मैं तकरीबन पूरी बस्ती के लड़कों को जानता हूँ। सब लड़के मुझसे लतीफे सुनने के लिए आते हैं। तुम जफर नामी लड़के को नहीं जानते? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं किसी जफर को नहीं जानता। क्यों, कल जफर तुम्हारे साथ फिल्म देखने नहीं आया था? मैंने कहा ना शुरू, मैं किसी जफर को नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। देख लो इनमें, अगर कोई जफर हो तो बताओ मुझे। बेटा। हाँ माँ। तू पहलवान को जानता है? कौन पहलवान? मैं किसी पहलवान को नहीं जानता। देख बेटा, तू सच कह रहा है ना? हाँ हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। देख बेटा, मुझे तेरी बड़ी फिक्र लगी हुई है। अरे माँ तू फिक्र ना किया कर। बेटा तू फिल्म भी जाता है? माँ वो दरअसल माँ वो बस कुछ दोस्तों के साथ चला गया था। क्या? उन दोस्तों के साथ? वो तेरा पहलवान भी था? बोल बोल, फंसा क्यों रही है? नहीं नहीं, बोल बोल, क्यों रही है? नहीं मेरे बेटे को हाथ मत, क्या बोलता क्यों रही है? जान से मार देगा क्या मेरे बेटे को? मत मारना, अब मत मारना मेरे बेटे, मत मारना। मुझे माफ कर दे अब्बा, मुझे माफ कर दे। मैं आज के कभी बहित को नहीं जाऊंगा और नहीं मैं कभी पहलवान से मिलूंगा। जफर कहाँ हो यार, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बात तो सुनो जफर, फिल्म देखने नहीं चलना? नहीं नहीं, मैं नहीं देखनी। अरे यार पैसे नहीं है तो कल दे देना। बस मैंने कह दिया ना, मैंने नहीं देखनी है। क्यों, कल वाली फिल्म मजेदार नहीं थी क्या? बस मैंने नहीं देखनी है।
वालेकुम सलाम। ये भागने वाले लड़कों में इरफान भी था ना? हाँ सर। ये लोग क्या कह रहे थे? सर ये लोग मुझे जबरदस्ती फिल्म दिखाने जा रहे थे। तो ये बात है, इन बच्चों को बुरी सोबत से बचाना पड़ेगा वरना इनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। आइए आइए माँ साहब, तशरीफ रखिए। जनाब शुक्रिया जी, फरमाइए। जनाब ये के साथ तो आपको मालूम है कि हमारी बस्ती में एक फिल्म घर भी है जी, और इस बस्ती में एक स्कूल भी है जी। हाँ मैं जानता हूँ, आप बात तो बताएं। हमारी बस्ती के बहुत से बच्चे घरों से स्कूल आते हैं, बजाय स्कूल आने के फिल्म देखने चले जाते हैं। बेचारे गरीब माँ बाप यही समझते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल गए हुए हैं। फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे। बड़ी मेहरबानी। ये हैं हमारे मुस्तकबिल के मेहमान, माँ बाप की उम्मीदों के गुलशन। जनाब ये भटके हुए फूल हैं। जी आप ठीक फरमाते हैं मां साहब, मगर अफसोस आप लोगों पर भी है कि आप लोगों के बच्चे बुरी सोबत की वजह से बिगड़ गए। फजलदीन जाओ पहलवान को लेके आओ। तो तुम हो पहलवान, तुम्हारी वजह से इस बस्ती के बच्चे बिगड़ रहे हैं और तुमने बिगाड़ा इन बच्चों को। जवाब दो, मैं तुमसे पूछता हूं पहलवान, बोलते क्यों नहीं? बताता हूं मास्टर जी, मुझे गौर से देखिए पर पहचानिए। तुम्हें सब जानते हैं, तुम्हारा नाम पहलवान है। मशहूर तो मैं पहलवान के नाम से, लेकिन मेरा नाम राजू है। आज से 15 साल पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं। मैं शरारतों की वजह से अपनी जमात में मशहूर था। आपने मेरी शरारतों से तंग आकर मेरी शिकायत मेरे अब्बा से कर दी और मेरे अब्बा ने मुझ पर बहुत तशद्दुद किया। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैंने सोच लिया अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं किसी को पढ़ने भी नहीं दूंगा। मैंने आपके तालिबे इल्मों को बहका कर उनको तालीम से दूर करने में मसरूफ हो गया। साहब मुझे आज एहसास हो गया कि मैं गलती पर था, मैं वाकई गलती पर था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। बहरहाल इसकी सजा तो पहलवान तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। आज आपको वादा करना होगा कि बच्चों को बुरे माहौल से बचा कर रखेंगे, इसी में आपका मुस्तकबिल महफूज रहेगा।